औरंगाबाद जिला के बनिया पंचायत के कोरी बिहार गांव में रविंदर महतो एवं रामरतन महतो जैसे 20 किसान हैं जो अपने जीविका का उपार्जन सब्जी की खेती करके करते हैं, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो जाने के कारण उनकी असर उनकी सब्जी की खेती पर पड़ा है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। सब्जी की रेट में इतनी गिरावट आ गई है कि उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है, जिससे उनके घर के दैनिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ के किसानों से इनकी समस्या के बारे में, क्या इनकी समस्या है। खेती यही साग सब्जी का किया है, जिसमें कद्दू है, करेली है, भिंडी है, नेनुआ है, बोदी है, यही सब के। तो इससे क्या दिक्कत हो रहा है आपका? दिक्कत हो रहा है कि हम लोग यही पर आश्रित हैं और लॉकडाउन के चलते अगले साल से भी मार खा गया, इन साल भी वही बात है, बिक्री होता नहीं है, सब्जी लेकर के बैठे हुए रहते हैं, हम लोग के परेशानी है। तो क्या इसको बाजार में लेकर बेचने नहीं जाते हैं? बाजार में तो लॉकडाउन के चलते बाजार लग नहीं देते हैं। तो बताइए कि सब्जी का क्या क्या रेट है, कद्दू का क्या रेट है, परोर का? कद्दू वही 2-3 रुपए पीस बिकता है। और सब्जी कैसे बिकता है? और सब्जी वही भिंडी भी 3-4 रुपए किलो बिकता है, करेली भी 5-6 रुपए बिकता है। तो इससे हम लोग के खर्चा भी मेंटेन नहीं होता है, जो कि इसमें लागत लगा है। तो बताइए कि आपको पर साल जितना मतलब खेती उपजा करके आप उपार्जन किए थे पैसे का, तो उससे मतलब नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है, फायदा कहाँ से होगा, बिक्री होगा तब ना फायदा होगा। तो फिर आपका भी कैसे स्थिति, कैसे गुजर बसर हो रहा है? स्थिति तो एकदम नाजुक है, कोई बाहर के आमदनी नहीं है, जो भी है से हम लोग की खेती से चलना है, सब काम करना है, यहाँ तक कि नून तेल के खर्चा तो निकल ही नहीं रहा है खेती से। तो आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं कुल? करीब वही 5-6 परिवार हैं। 5-6 परिवार। तो अच्छा बताइए कि आपके गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जो किसान के सब्जी की खेती करते हैं? वही 15-20 के लगभग हैं हम लोग। तो सर यहाँ पर तो हम लोग 15-20 हैं, सबके वही कारोबार है और कोई बाहर इनकम किसी को नहीं। तो बताइए कि आपका सब्जी मार कर गया है, एक तो मैंने बारिश में ही मार किया होगा। हाँ, बारिश से भी मार कर गया। खेती सब्जी के किया है, उसमें लौका है, परोर है, भिंडी है, बोदी है, बीट है, बहुत तरह के सब्जी के खेती किए हैं। तो आप सब्जी की बताइए, आप लोग रोड किनारे सब्जी क्यों बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं, बाजार में बंद हो रहा है सर, और जगह भी नहीं मिलता है। दूसरे नंबर की सब्जी रोड किनारे बेच रहे हैं, 5-10 रुपए जहाँ ही पा रहे तहीं बेच रहे हैं। हम लोग का है हम लोग सर। लॉकडाउन में इसकी क्या असर पड़ा आपका सब्जी पर? सब्जी पर असर पड़ा, सस्ता बिक रहा है, बिक भी नहीं रहा है। अभी भिंडी का रेट कैसे है, परोर का रेट कैसे है? तो बताइए कि तो इसके लिए आप सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, क्या सहायता? सोच रहे हैं कि कुछ है, हम लोग के प्रिफ्रेंस मिलता, खर्चा मिलता तो मेंटेनेंस कुछ होता। सरकार को चाहिए कि कम से कम ऐसे किसानों की संज्ञान लेकर करके उनकी समस्या को निदान करें, और वीडियो देखने वाले साथियों से आग्रह है कि वीडियो देख करके अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन किसानों की समस्या का निदान हो सके। मैं सुरेंद्र शर्मा, सामुदायिक संवाददाता, औरंगाबाद बिहार से, इंडिया नेट के लिए।